हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ये एक कर्टन बस बचा है रूम का, ये मैंने नहीं निकाल पाया था क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, मेरा वहाँ तक पहुँचना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। मैंने यहाँ का कर्टन निकाल के वॉश कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं आराम से पहुँच जाती हूँ, और इधर का भी मैं बेड पे चढ़ के मैंने इधर का कर्टन भी निकाल के वॉश कर दिया। और अभी सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं प्रेस करके फिर इसमें फिट भी कर दूँ, वरना बाहर अंधेरा हो जाएगा और अंदर जो है रोशनी रहेगी तो फिर बाहर से अंदर का दिखता है, इसलिए यहाँ पे कर्टन लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं जल्दी से इसमें प्रेस करके अभी लगाऊंगी। आज मैं आपको बिल्कुल ड्राई क्लीन की तरीके से कर्टन साफ़ करना बताऊँगी, पर्दों को साफ़ करना बताऊँगी, जिससे कि आपके पर्दे बहुत ज़्यादा शाइन मारेंगे। और छोटी सी ट्रिक है, वो बस लगानी पड़ेगी आपको और आपके कर्टन एकदम चमाचम चमकेंगे। मैं बताऊंगी आपको, वॉश करूंगी क्योंकि अभी मुझे बाहर के बहुत सारे कर्टन धुलने हैं और मैंने दो दो करके धुले हैं क्योंकि एक साथ मुझसे नहीं धुले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पड़ा है, अदरवाइज इन सब में दो दो कर्टन इस तरीके से कर्टन पड़े हुए थे, तो मैंने हॉल तक के धुले हैं, तो कम से कम 12 कर्टन मैंने अभी तक वॉश कर दिए हैं, दो 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 चार इस तरीके से वॉश करके। तो मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से कर्टन वॉश करें बिल्कुल ड्राई क्लीन की तरीके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्टी में गर्म पानी है, उसी में मैं 2 टेबल स्पून वॉशिंग पाउडर डाल रही हूँ। देन इसके बाद कपड़े धोने वाला सोडा आता है, वो डालूंगी। बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें डालनी है। इससे क्या होता है बेकिंग सोडा से कि आपके पर्दे में जो भी गंदगी होती है, मिट्टी बैठी होती है, वो अपने आप ही फूल के निकल जाती है, क्योंकि सोडे का होता है ना कि वो फूलाता है हर एक चीज़ को। तो सोडा जैसे ही इसमें बाल्टी में डालते हैं ना, उसके बाद पर्दे डालते हैं, तो अपने आप ही गंदगी फूल के निकल जाती है। आपको बस हल्का हल्का मलना पड़ेगा। हाथों से ब्रश लगाने से पर्दे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ब्रश कभी नहीं लगाना चाहिए पर्दों में। अगर आपके ज़्यादा गंदे हैं तो रात को डिप करके छोड़ दें, और अगर हल्के गंदे हैं तो 1-2 घंटे डिप रहने दें। इसके बाद इसको हल्के हाथों से वॉश कर दें, जैसे मैं कर रही थी बिगनिंग में, मैंने दिखाया है स्टार्टिंग में ब्लॉग के। बस इसी तरीके से अपने कर्टन को धुलें और देखिए कितने क्लीन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ईजी ट्रिक है। मैंने वॉश कर लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो, है ना, चमक रहा है ना। एक नहीं, सारे इसी तरीके से वॉश किए हैं और मेरे पास यहाँ पे ढेर लग चुका है कर्टन का। इतनी वॉश करते करते ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और भारी भी हैं, एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता इनको धुलना। धुलाई के बाद बहुत ज़रूरी है कि इन पे ब्रश की जाए, जैसे कपड़ों को धुलने के बाद ब्रश करते हैं और उनमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, क्रीज आ जाती है, इसी तरीके से पर्दों को भी ज़रूरत होती है एक साल में कि उनको भी ब्रश किया जाए ताकि उनकी शाइन जो है वो बरकरार बनी रहे। साल भर यूं ही ये टंगे रहेंगे क्योंकि मिट्टी सबसे पहले आके इन्हीं पे चढ़ती है। अगर आप ब्रश कर देंगी तो इतनी जल्दी मिट्टी नहीं बैठती है इन पे, और साथ ही आप महीने में अगर इनको झटकते रहेंगे तो ये इसी तरीके से साफ बने रहते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगली साल फिर इसी तरीके से अपने कर्टन को वॉश करना है सोडा डाल के। सोडा डालने से ये बहुत ही चमक जाते हैं, आपकी मेहनत भी बचती है और सफाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर्दों को धुलने के लिए हाथों का ही यूज़ करना चाहिए, ब्रश नहीं चलाना चाहिए। ब्रश चलाना मतलब इन पे अत्याचार करना हो जाएगा, ये बहुत ही जल्दी फट जाएंगे, इसलिए हाथों से ही मलें इनको हल्के हल्के हाथों से। मैंने तो पर्दों पे प्रेस कर ली और ये सारे पर्दे प्रेस हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं, आप दो दो करके धुलिएगा। मैं बस यही कहूँगी कि इस दिवाली की सफाई आप बहुत धीमे धीमे करिएगा, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे कर रही हूँ। मैंने 4 से 5 दिन पहले बाहर हॉल की सफाई कर दी थी, हालांकि वो गंदा हो जाता है, वो फिर से गंदा हो गया वहाँ पे एरिया, और फिर से किसी दिन बस धूल हटानी है, थोड़ी बहुत सफाई तो करनी पड़ती है, 10-15 दिन में करनी पड़ जाती है। रात हो गई है और यहाँ पे हम लोगों ने कर्टन चढ़ाने चालू कर दिए हैं। अब जहाँ जहाँ के कर्टन मैंने धुल लिए हैं वहाँ वहाँ के कर्टन फिर से फिट कर देंगे उस जगह पे, क्योंकि फिर भूल में भी हो जाते हैं कौन से किस खिड़की के थे, कौन से किस गेट के थे, इसलिए दो दो करके धुलो तो उससे आराम रहता है कि ये इस गेट के हैं, इस खिड़की के हैं। और यहाँ पे मेरे ये धुल के प्रेस होके
फिट होने जा रहे हैं, आप लोग भी इसी तरीके से अपने धुलिएगा। और अगर अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग और ये ट्रिक तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू।